पहले हम ब्लॉक फॉरवर्ड के बारे में बात करेंगे। तो अक्सर हम लोग सुनते हैं कि ब्लॉक फॉरवर्ड किया हुआ है, संटिंग काम हो रहा है और संटिंग के दौरान ट्रेन ब्लॉक सेक्शन में गई है, ब्लॉक फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो आखिरकार ब्लॉक फॉरवर्ड किस जंतु का नाम है यार? चलिए आइए समझते हैं। ब्लॉक फॉरवर्ड अंग्रेजी के दो वर्ड से बना है, एक है ब्लॉक तो दूसरा है फॉरवर्ड। ब्लॉक को हिंदी में कहा जाता है रोकना, अवरुद्ध करना, वहीं पर फॉरवर्ड को हिंदी में कहा जाता है आगे, अगला। अर्थात सब मिलाकर ब्लॉक फॉरवर्ड को हिंदी में कहा जा सकता है कि आगे के भाग को अवरुद्ध करना, अगला सेक्शन को जाम करना। ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ। ब्लॉक फॉरवर्ड को इस तरह से डिफाइन किया गया है, ब्लॉक फॉरवर्ड का अभिप्राय दोहरी लाइन पर किसी ब्लॉक सेक्शन से अगले निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशन को यह सूचना भेजने से है कि आगे का ब्लॉक सेक्शन अवरुद्ध होने वाला है या अवरुद्ध है। परिभाषा तो देखने में अटपटा के खटपटा लग रहा है, लेकिन समझिए, इस परिभाषा में एक डबल लाइन का सेक्शन है, दो ब्लॉक स्टेशन है जिसमें एक ब्लॉक स्टेशन आगे है तो दूसरा ब्लॉक स्टेशन पीछे है, और पिछला ब्लॉक स्टेशन अगला ब्लॉक स्टेशन को एक सूचना देता है। सूचना है आगे का ब्लॉक सेक्शन अवरुद्ध यानी जाम होगा। आगे का ब्लॉक सेक्शन का मतलब है पिछले स्टेशन से अगले स्टेशन की तरफ जाने वाले लाइन का ब्लॉक सेक्शन। यह या तो अप लाइन होगा या डाउन लाइन भी। चलिए आइए ब्लॉक फॉरवर्ड को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि यह एक डबल लाइन का सेक्शन है और दो ब्लॉक स्टेशन है, जिसमें यह एक आगे का ब्लॉक स्टेशन है और इसका नाम ए है, और यह एक पीछे का ब्लॉक स्टेशन है जिसका नाम बी है। यहाँ ट्रेन अप डायरेक्शन में बी स्टेशन से ए स्टेशन की तरफ चलती है, तो यहाँ पर ब्लॉक फॉरवर्ड में ए पीछे वाला बी स्टेशन इस आगे वाला ए स्टेशन को सूचना देगा कि इस आगे वाला ब्लॉक सेक्शन अवरुद्ध होने वाला है। तो इस प्रक्रिया को ब्लॉक फॉरवर्ड कहा जाता है, अर्थात डबल लाइन में आगे वाला ब्लॉक सेक्शन को जाम करना ही ब्लॉक फॉरवर्ड कहलाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि रेलवे में ब्लॉक फॉरवर्ड क्यों करना पड़ता है? तो हम लोग देखते हैं कि कभी कभी संटिंग के दौरान या किसी अन्य कारण से कोई ट्रेन एडवांस स्टार्टर को पास कर ब्लॉक सेक्शन में जाती है तो ब्लॉक सेक्शन अवरुद्ध होता है, और ब्लॉक सेक्शन में बिना अगले स्टेशन को सूचना दिए आप किसी तरह का मूवमेंट नहीं कर सकते हैं जी हजूर। अर्थात ब्लॉक सेक्शन में किसी भी तरह की गतिविधि को करने के लिए आपको अगले स्टेशन को हर हाल में सूचना देना ही होगा, और यही सब डबल लाइन में अगले ब्लॉक स्टेशन को अवरुद्ध करने के लिए अगले स्टेशन को सूचना देने की प्रक्रिया का ही एक नाम दे दिया गया है, ब्लॉक फॉरवर्ड। अब जानेंगे ब्लॉक फॉरवर्ड कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस है। तो इस डायग्राम में इस अप डायरेक्शन में ब्लॉक फॉरवर्ड करना है तो बी स्टेशन के स्टेशन मास्टर इस अगले ई स्टेशन के स्टेशन मास्टर से टेलीफोन पर बात करेंगे और कहेंगे कि मैं संटिंग या कुछ अन्य कारण से ब्लॉक फॉरवर्ड कर रहा हूं, और एक मेरा प्राइवेट नंबर एक ए स्टेशन को देंगे। तब इस ए स्टेशन के स्टेशन मास्टर जवाब देंगे कि मैं ब्लॉक फॉरवर्ड के लिए सहमत हूँ और एक्नॉलेजमेंट के लिए एक प्राइवेट नंबर बी स्टेशन को देंगे, और ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को टीओएल पोजीशन पर कर लेंगे। इसके बाद बी स्टेशन ब्लॉक सेक्शन में संटिंग का काम करेंगे, और जब संटिंग का काम खत्म हो जाएगा और ब्लॉक सेक्शन क्लियर हो जाएगा तो बी स्टेशन ए स्टेशन को बोलेंगे कि ब्लॉक सेक्शन क्लियर हो गया है, साफ हो गया है, और अब ब्लॉक फॉरवर्ड को रिमूव यानी ख़त्म कर लिया जाए। इसके लिए
प्राइवेट नंबर भी ए स्टेशन को देंगे और ए स्टेशन भी जवाब में बोलेंगे कि ठीक है ब्लॉक फॉरवर्ड खत्म कर लिया जाए और एक प्राइवेट नंबर बी स्टेशन को भी देंगे। और ये सब का एंट्री भी TSR में दोनों ओर के स्टेशन मास्टर द्वारा जरूर किया जाना चाहिए। तो इस तरह से ब्लॉक फॉरवर्ड को लागू किया जाता है और ब्लॉक फॉरवर्ड को कैंसिल किया जाता है। अब जानेंगे ब्लॉक बैक के बारे में। तो ब्लॉक बैक को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। ब्लॉक बैक का अभिप्राय दोहरी लाइन पर पिछले निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशनों को और इकहरी लाइन पर अगले पिछले दोनों निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशनों को किसी ब्लॉक स्टेशन से यह संदेश भेजने से है कि आगे का ब्लॉक सेक्शन अवरुद्ध है या अवरुद्ध होने वाला है। ब्लॉक बैक में ब्लॉक फॉरवर्ड से ठीक उल्टा होता है, यानी ब्लॉक बैक में डबल लाइन में पिछले वाले ब्लॉक सेक्शन को अवरुद्ध यानी जाम किया जाता है और वही सिंगल लाइन में आगे और पीछे दोनों तरफ के ब्लॉक सेक्शन को अवरुद्ध किया जाता है, क्योंकि सिंगल लाइन में ट्रेन दोनों डायरेक्शन में चलता है। पहले समझ लेते हैं डबल लाइन में ब्लॉक बैक को। तो देखिए इसी डायग्राम में यह ए अगला स्टेशन है और ए बी पिछला स्टेशन है। तो ब्लॉक बैक में ए स्टेशन अपने पीछे वाला ए ब्लॉक सेक्शन यानी इस होम सिग्नल के पीछे की तरफ वाला इस पोर्शन को अवरुद्ध करेगा। तो यह प्रक्रिया डबल लाइन में ब्लॉक बैक कहलाता है। अब समझेंगे सिंगल लाइन में ब्लॉक बैक को किसको कहते हैं। तो देखिए ये सिंगल लाइन का सेक्शन है और इस स्टेशन के आगे और पीछे यानी इस स्टेशन के ए पीछे वाला ब्लॉक सेक्शन या इस स्टेशन के ए आगे वाला ब्लॉक सेक्शन को अवरुद्ध यानी जाम करने की प्रक्रिया को सिंगल लाइन में ब्लॉक बैक कहेंगे। जहाँ तक बात है ब्लॉक बैक करने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस के बारे में, तो डबल लाइन में पीछे वाले स्टेशन को प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करके ब्लॉक बैक की सूचना दिया जाता है। वही सिंगल लाइन में आगे और पीछे दोनों स्टेशनों को जहाँ जरूरत हो आगे तरफ करना है या पीछे तरफ ब्लॉक बैक करना है, जहाँ जरूरत हो वहाँ के स्टेशन के स्टेशन मास्टरों को प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करके ब्लॉक बैक के बारे में सूचना दिया जाता है। जहाँ तक कैंसिल करने का सवाल है, तो दोनों ओर के स्टेशन मास्टर प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करके ब्लॉक बैक को कैंसिल कर लेते हैं। अब बात करते हैं ब्लॉक बैक और ब्लॉक फॉरवर्ड में अंतर की। तो ब्लॉक फॉरवर्ड केवल डबल लाइन में होता है, जबकि ब्लॉक बैक डबल लाइन और सिंगल लाइन दोनों सेक्शन में होता है। सेकंड है, ब्लॉक फॉरवर्ड में केवल अगले स्टेशन को सूचना दिया जाता है, जबकि ब्लॉक बैक में डबल लाइन में पिछले स्टेशन को और सिंगल लाइन में अगला और पिछला दोनों स्टेशन की तरफ किया जाता है। रेलवे संबंधी